Now, in the past week, Uttarakhand has reported around 5.98% positivity rate of COVID-19. But four hill districts, including Pauri, Chamoli, Almora and Pithoragarh, have positivity above 10%. Now, with Pauri and Garhwal the worst hit, COVID cases are rising in the hills. People are struggling with healthcare facilities. Akshay Dongre brings us this report. In a remote village in Pauri Garhwal, 44-year-old Suresh Kumar holds up a photo of his wife, Pramila Devi, who died of COVID a week back. He now has to cook for his children. The closest hospital is an hour and a half away. Suresh says his wife collapsed as he was taking her there. उसके बाद इनके पैर जो कि बिल्कुल काम करने छोड़ दिए इन्होंने और चक्कर आने शुरू हो गए थे इनको तो तब इनको मैं बाहर ले जा रहा था पौड़ी या सिरपोर जहाँ भी है कोविड सेंटर को ले जा रहा था लेकिन यहाँ सिर बाजार जाते जाते इन्होंने दम तोड़ दिया था. दिस इज द ओनली हेल्थ केयर सेंटर इन सुरेश विलेज. इट हैज ओनली द मोस्ट बेसिक फैसिलिटीज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सीरियस कोविड 19 केसेस. देयर इज ओनली वन डॉक्टर फॉर अ स्प्रॉल ऑफ विलेजेस ऑफ 25,000 पीपल. Lakshmikant, who lives in this village, says the whole village appeared to be infected, but that they cannot get treated completely at the local center. गांव के गांव बीमार हुए तो उनका ट्रीटमेंट भी हुआ और ठीक भी हो गए. वो 17-18 तारीख को मम्मी को ज्यादा खांसी आनी शुरू हो गई. एक दिन अचानक क्या हुआ कि बुखार चढ़ गया, निमोनिया की शिकायत हुई. फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ तो उन्होंने ऑक्सीजन चढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए आप इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ. A long trek in the hills bring villagers to COVID facilities like these in the town of Satpuli. It has only two ICU beds. बहुत patients में complications आने start हो जाते हैं, जिसमें saturation बहुत घट जाता है. किडनी का एकदम से 40-50-60 के आसपास saturation हो जाता है, तो उसमें patient को intubate या ventilation की जरूरत पड़ती है, जो हमारे DCCC में उपलब्ध नहीं है. उस चीज को देखते हुए हम क्रिटिकल केयर सेंटर या जो हायर सेंटर हमारे हैं वहाँ पे पेशेंट को रेफर करते हैं. हमारे पास जो कैपेसिटी है DCCC में, हमारे पास 52 पेशेंट्स की है, उसमें से दो बेड जो हमारे हैं ऑक्सीजन वाले हैं, 50 बेड जो है विदाउट ऑक्सीजन है. टू गेट टू वन ऑफ ओनली टू मेजर हॉस्पिटल्स फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट इन द टाउन ऑफ कोटद्वार इज एन इवन लॉन्गर ट्रैक. 65-year-old मान सिंह ब्रॉट हिज वाइफ हियर from his village 130 kilometers away. मेरी वाइफ को घर में तकलीफ हुई. तकलीफ ऐसी हुई कि उसको उन्होंने पहले पेट दर्द बताया. पेट दर्द बताने के बाद मैं उसको सिडेकाल ले गया. सिडेकाल से वापस लाया तो 2 बजे वो फिर दर्द से मरने लग गई. मैंने उसको उठाया, सतपुली ले आया. हमारे यहाँ रोड भी कच्ची, तकरीबन 5-7-8 किलोमीटर तो तल्ले डुले में जाने जाने में तो देखा जाए तो मरीज आधा घायल हो जाता है. अस्पताल तो हमारे छोटे छोटे तो बहुत हैं, पर कहीं पर हमारे पास इतना साधन नहीं कि जहां मरीज को ले जाकर एडमिट कर दे और उस पर ग्लूकोज चढ़े, ऑक्सीजन लगे, फलाना वो इस प्रकार की कार्रवाई कुछ है नहीं. इवन आफ्टर अ ईयर एंड हाफ इनटू द पेंडेमिक द गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू इंश्योर इवन द बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज टू द पीपल इन द हिल्स. एंड इट्स नॉट जस्ट COVID-19 दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद, बट ऑल्सो एपैथी दैट हैज फोर्स्ड देम टू टेक आर्डस जर्नीज जस्ट इन होप to save the lives of their loved ones. With camera person Azam Siddiqui and colleague Dinesh Mansera, I'm Akshay Dongre for NDTV.